चलिए रुक करते हमारी खास पेशकश आतंक का। गद्दारी, चालबाजी, साजिश, षड्यंत्र, ये सारे शब्द आजकल चीन के पर्यायवाची बन चुके हैं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ अब तक जितने अपराध किए हैं उसे और कोई नहीं बल्कि इमरान के यार जिनपिंग ही अपनी करतूतों से पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जिनपिंग बन चुके हैं जंगली जिनपिंग। वो अफ्रीका के हेवन, वो एशिया का शैतान है। जो लूटते हैं अफ्रीका की असमत, उनकी जिनपिंग करता है खिदमत। जिन्होंने नाइजीरिया को किया लहूलुहान, उन्हें चीन बताता है महान। बोको हराम से जिनपिंग की यारी, बेगुनाहों के हत्यारों से जिनपिंग की साठ गांठ। अफ्रीका में आतंकियों से मिलकर टिम्बर की बंदर बांट, चीन के आतंकी चेहरे पर पड़ेगा तमाचा। बोको हराम को ड्रैगन फंडिंग पर सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, बोको हराम को चीन की फंडिंग सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई आपके सामने हम आज परत दर परत खोलेंगे। दरअसल कारोबार के मामले में चीन ने एक से बढ़कर एक कांड किए हैं। घटिया चाइनीज सामान दुनिया भर में बेचकर चीन ने कमाया है अथाह पैसा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ये पैसा किस पर खर्च करता है? चीन की काली कमाई का पैसा पहुंच रहा है उन अफ्रीकी आतंकियों के पास जो चीन की खातिर ही बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी में जुटे हुए हैं। अफ्रीका को अपनी कारोबारी चंगुल में फंसाने वाला चीन इन दिनों अफ्रीकी जंगलों का दुश्मन बन बैठा है। वो बोको हराम को फंडिंग करता है ताकि बेशकीमती शीशम की लकड़ियां नाइजीरिया से समंदर के रास्ते बीजिंग पहुंच पाए। चीन के षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। जालिम जिनपिंग की एक और खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। साफ हो चुका है कि मासूमों को, बेगुनाहों पर गोलियां बरसाने वाले बोको हराम के आतंकियों से वो अफ्रीकी पेड़ों को कटवा रहा है। यह अफ्रीकी महाद्वीप है और इसी महाद्वीप का हिस्सा है नाइजीरिया और सेनेगल। दूसरे अफ्रीकी देशों की तरह ही नाइजीरिया और सेनेगल को भी प्रकृति की तरफ से एक से बढ़कर एक सौगातें मिली हैं। दोनों देशों के पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं। बाजार चाहे इन दोनों देशों का हो या फिर दुनिया के किसी और देश का, नाइजीरिया और सेनेगल में उगने वाले शीशम के पेड़ की लकड़ियों की खूब मांग रही है। मांग के चलते ही अंधाधुंध तरीके से शीशम के पेड़ों की कटान शुरू हो गई थी, जिसके बाद कई इलाकों में शीशम को काटना पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। अब जो काम अवैध हो गया वहां अवैध संगठनों को मौका मिल गया। इन दोनों देशों में कानून को लंबे अरसे से चुनौती देते आए आतंकी संगठन बोको हराम को लगे हाथ मोटी कमाई का जरिया मिल गया। शीशम को अवैध तौर पर काटकर दुनिया भर में तस्करी करने का खेल शुरू हो गया और इस अवैध खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा चीन। बोको हराम के गुल्लक में चीन का पैसा। एशियाई शैतान ने रच डाली अफ्रीका के खिलाफ साजिश। चीन की सरकारी और निजी कंपनियों पर आरोप लगा है कि वो बोको हराम के आतंकियों को
करोड़ों अरबों डॉलर का फंड मुहैया करवा रहे हैं और इसकी एवज में चीन पहुंच रहा है बेशकीमती अफ्रीकी शीशम के पेड़ों की लकड़ियां। शीशम की जिन लकड़ियों से जिनपिंग के लिए सोफा, कुर्सी और दीवान तैयार हो रहा है, उसकी चीन तक तस्करी नाइजीरिया और सेनेगल से आसानी से हो सके, इसके लिए जिनपिंग ने आतंक का साथ देने का रास्ता चुना है। चीन का दागदार चरित्र एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने है, जहां एक तरफ चीन ने अपने देश में शीशम के पेड़ों के कटान पर पूरी तरीके से रोक लगा रखा है और इस नियम का, इस कानून का चीन में सख्ती से पालन भी होता है, लेकिन दूसरी ओर अफ्रीकी देशों में कानून तोड़ने के लिए वो आतंकियों की मदद लेने से भी हिचकता नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 से अब तक अफ्रीका से चीन शीशम का आयात 700% तक बढ़ा चुका है। चीन अफ्रीका से कानूनी तौर पर हर साल लगभग 2.2 बिलियन डॉलर का टिम्बर आयात कर रहा है, लेकिन माना जाता है कि 17 बिलियन डॉलर के टिम्बर की तस्करी हर साल अफ्रीका से चीन तक हो रही है। चीन की इस चालबाजी के चलते नाइजीरिया और सेनेगल के अलावा अफ्रीका के कई और देशों में भी शीशम के पेड़ों की संख्या तेजी से घटी है। एक खास अफ्रीकी किस्म के शीशम के पेड़ तो विलुप्त होने के कगार पर है। पर्यावरणविद इसलिए परेशान हैं क्योंकि शीशम के जिन पेड़ों पर चीनी सरकार की टेढ़ी नजर रहती है, उन्हें उगने और पूरा आकार लेने में सालों लग जाते हैं। बोको हराम के आतंकी बंदूक के दम पर पेड़ों को कटवाते हैं, बड़ी ही सफाई से शीशम की लकड़ियों को नाइजीरियाई पोर्ट्स तक पहुंचा देते हैं, जहां से चीन बड़ी चालाकी से समंदर के रास्ते शीशम की लकड़ी को तस्करी करके अपने यहाँ लेकर चला जाता है। विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम चीन के एक और काले कारनामे का खुलासा होने के बाद से इंटरनेशनल एजेंसियां जिनपिंग के मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। साफ तौर पर अफ्रीका के जंगलों में अंधाधुंध लूट के जरिए चीन ने शीशम की खास प्रजाति को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि चीन ने अफ्रीका के गरीब मुल्कों में फैले भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का भी जमकर फायदा उठाया और जहां कहीं रिश्वत से बात नहीं बनी, वहां चीन ने आतंकियों की बंदूकों का इस्तेमाल किया। चीन ने अपने प्राकृतिक जंगलों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। उसने ऐसा क्यों किया था? उसने ऐसा इसलिए किया था कि नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सके और बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके। हालांकि उसके बाद क्या हुआ? उसने अवैध रूप से लकड़ियों के आयात पर जोर देना शुरू कर दिया। चीन की साजिशों के चलते साल 2010 आते आते दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में शीशम के ज्यादातर पेड़ काट दिए गए थे। इसके बाद चीन ने अफ्रीकी शीशम का इम्पोर्ट शुरू कर दिया। अब ये भी जान लीजिए कि अफ्रीका से शीशम की तस्करी करके चीन करता क्या क्या है। चीन अफ्रीकी शीशम की लकड़ी से एंटीक फर्नीचर बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। भारत का सालाना फर्नीचर आयात 184.50 करोड़ डॉलर का है और इसमें चीन की हिस्सेदारी 105.10 करोड़ डॉलर की। इसलिए जब चीन को सबक सिखाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का मिशन शुरू हुआ तो फर्नीचर आयात पर लगने वाले टैक्स में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई। चीन से ट्रेड वॉर शुरू होने पर अमेरिका ने भी चीन के फर्नीचर पर 25% का टैक्स लगा दिया था। माना जा रहा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान से ठोकर खाने के बाद चीन ने यूरोपीय देशों का रुख कर लिया है। अफ्रीकी आतंकियों की मदद से बेशकीमती शीशम की लकड़ियां तस्करी करवा रहा है और उसके बाद उनसे फर्नीचर बनवाता है और महंगे दामों में यूरोपीय देशों में उसे बेच देता है। हालांकि कोरोना काल में चीन के इस अवैध खेल पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हालात जैसे ही सुधरेंगे फिर से बोको हराम और चीन की पार्टनरशिप रंग दिखाने लग जाएगी। अफ्रीकी देशों की सरकारों के पास चीन को रोकने के लिए कई वजह है। एक तरफ तो अफ्रीकी मुल्क अपना बेशकीमती शीशम खो रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पर्यटन उद्योग को भी चीन की वजह से जबरदस्त चोट पहुंची है। जब अफ्रीका के जंगल ही नहीं बचेंगे तो फिर कहां जाएंगे अफ्रीकी जंगलों के जानवर, और फिर क्यों अफ्रीका घूमने जाएंगे पर्यटक। रिपोर्ट जी हिंदुस्तान। तो अब टिम्बर के टेरर कनेक्शन का खुलासा हो चुका है। साफ हो चुका है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम के आतंकी नाइजीरिया और सेनेगल से शीशम की लकड़ियां पहुंचा रहे हैं चाइना। इसके बदले में चीन इन आतंकियों को पहुंचा रहा है लाखों करोड़ों का डॉलर, और ठीक इसी रास्ते जैसा कि आप मेरे सामने इस वक्त देख पा रहे हैं। चीन को इस बात की दरअसल फिक्र बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पैसों से बोको हराम के आतंकी खरीद रहे हैं असलहा,
बिल्कुल चिंता नहीं है। बम, मिसाइलें, चीनी पैसे से नए नए हथियार करके बोको हराम के आतंकी कर रहे हैं बेगुनाहों पर वार, लेकिन चीन को इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। चीन की आंखों पर कमाई का चश्मा चढ़ चुका है, उसे ना तो बोको हराम के आतंकी कांड दिखाई दे रहे हैं, ना ही इस खतरनाक आतंकी संगठन का काला इतिहास। दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन, बोको हराम की हैबानियत की हजारों कहानियां। चीन का दोस्त, नाइजीरिया का दुश्मन। साल 2014 में नाइजीरिया के चिबुक गांव के एक गर्ल्स हॉस्टल पर अचानक से आतंकियों ने हमला कर दिया था। बंदूक की नोक पर करीब 300 लड़कियां अगवा कर ली गई थी। पता चला कि बोको हराम नाम के एक आतंकी संगठन ने स्कूली बच्चियों को किडनैप कर लिया था। वो इन बच्चियों के बदले अपने साथियों की रिहाई चाहते थे। जब इस वारदात की खबर नाइजीरिया के बाहर पहुंची तो लोग सन्न रह गए। बोको हराम ये नाम सामने आने के बाद इस कट्टर जिहादी आतंकी संगठन के नापाक मंसूबे भी सामने आने लगे थे। नाइजीरिया से मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है बोको हराम और नाइजीरिया को एक इस्लामिक देश में तब्दील करना चाहता है। बोको हराम चुनाव के दौरान मतदान में शामिल होने से लेकर टी शर्ट पैंट पहनने तक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हासिल करने को इस्लाम के खिलाफ मानता है। बोको का मतलब है फर्जी या नकली और हराम का मतलब है वर्जित या वो चीजें जिनकी समाज में मनाही है। जाहिर है कि बोको हराम का मतलब और मकसद एक है। ये एक ऐसा संगठन है जो पश्चिमी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता का हिंसक तौर पर विरोध करता है। बोको हराम का ट्रेडमार्क क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये संगठन हमले के लिए मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों का इस्तेमाल करता है। अब पुलिस हो, नेता हो या फिर कोई भी शख्स क्यों ना हो जो इस संगठन की आलोचना करता है, ये लोग उन्हें मार डालते हैं। हालांकि कमाई करने के लिए ये संगठन किसी से भी हाथ मिला सकता है, जैसा कि इसने इस बार किया है। जब शीशम की लकड़ियों की तस्करी की बात आई तो चीनियों से इस संगठन ने हाथ मिला लिया। इस संगठन की कमान अबू बकर शिकाऊ के पास है। बमबारी, टारगेटेड हत्याएं, चलती गाड़ियों से गोलियां चलाते हुए लोगों को मारना, फिदायीन हमले, लोगों को लाइन से खड़ा करके उनका गला काटना, ये सब बोको हराम के लिए रेगुलर हो चुका है। ये हिंसा केवल सरकारी लोगों तक सीमित नहीं है, बोको हराम आम लोगों को भी निशाना बनाता है। 26 अगस्त 2011 को बोको हराम का एक फिदायीन हमलावर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी लेकर नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड में घुस गया था। इस धमाके में करीब 23 लोग मारे गए थे और 80 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। यूएन के इतिहास की सबसे बड़ी वारदातों में से थी ये घटना। इंटरनेशनल एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है कि बोको हराम को इस्लामिक स्टेट के साथ साथ सोमालिया के आतंकी संगठन यानी कि अल शबाब से मदद मिलती रही है। दिसंबर 2011 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश हुए होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि बोको हराम अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोको हराम अब तक हजारों बच्चों को जिहादी बना चुका है, सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं को किडनैप करके उनसे फिदायीन अटैक करवा चुका है। पिछले 10 सालों में बोको हराम 35,000 से भी ज्यादा हत्याएं कर चुका है। 20 लाख से भी ज्यादा नाइजीरियाई नागरिक अपना घर छोड़ चुके हैं। नाइजीरिया की सरकार की लाख कोशिशों और दावों के बावजूद ये संगठन अब तक नहीं हराया जा सका है, बल्कि सरकार और बोको हराम की इस लड़ाई में लाखों आम नाइजीरियाई पिसते चले आ रहे हैं। एक तरफ बोको हराम के आतंकी गांव वालों से जबरन वसूली करते हैं, तो आतंक के सफाई के नाम पर गांव के गांव फूंक डालने के आरोप नाइजीरियाई सेना पर लगते रहे हैं। यानी जिस आतंकी संगठन ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया के लोगों को मुसीबत में डाल रखा है, उससे हाथ मिलाकर चीन ने ये संदेश दे दिया है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरों के घर जलाने से भी बाज नहीं आएगा। रिपोर्ट, जी मीडिया।